इस कराम वालदैन और तलबा आज हम एकेडमिक प्लस उर्दू फोर प्लस का सफ़ा नंबर पंद्रह खोलेंगे चलें जल्दी से सफ़ा नंबर पंद्रह खोलें इस सफ़े को पढ़ने से पहले मैं इस कराम और से मुखातिब होना चाहती हूँ जैसा कि आप सीखने की चार महारतों के बारे में जानते हैं जो कि है सुनना बोलना पढ़ना और लिखना इस सफ़े को पढ़ने के बाद बच्चे में पहली तीन महारतें पैदा होंगी वो कौन कौन सी सुनने बोलने और पढ़ने की महारत बच्चे इस सफ़े को पढ़ने के बाद हरूफ की पहचान कर सकेंगे और अल्फाज दुरुस्त अंदाज से अदा कर सकेंगे और ये ब्लूम टेक्सोनोमी का पहला दर्जा है याद रखना इस सीखने के अमल से गुजरते हुए बच्चों की जहनी नशो होगी चले बच्चों अब जल्दी से सफ़ान नंबर पंद्रह खोलें और अब हम वहाँ पर देखते हैं कि आज हम किसके बारे में जानेंगे ये बच्चे के पास कौन खड़ा है ये क्या कर रहा है ये बच्चे का इलाज कर रहा है जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं चले मुझे बताएं जल्दी से जब हम बीमार हो जाते हैं तो किसके पास जाते हैं Hmm, हम डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि वो हमारी बीमारी के बारे में जाने और हमें दवाई दे और हम सेहत याब हो जाए hmm, तो ये कौन है ये डॉक्टर है hmm, और डॉक्टर के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है डाल से और डाल की आवाज़ क्या है ड ड चलें सब मिलके मेरे मिल साथ बोलें ड ड डॉक्टर अच्छा बच्चों यहाँ पर हमने डॉक्टर के नाम का पहला हर्फ तो जान लिया और उसकी आवाज़ भी जान ली अब हम देखेंगे कि डॉक्टर का नाम कितने हरूफ से मिलकर बना है डाल अलिफ़ काफ ते रे ये तो पांच हरूफ से मिलकर बना है चले बच्चों अब हम डाल के दूसरे दोस्त से मिलते हैं वो कौन सा है ये क्या है ये तो डब्बा है जिसमें हम चीजें पैक करते हैं हम्म, mm, और डब्बे के नाम का पहला हर्फ किससे शुरू होता है डाल से और डाल की आवाज क्या है ड, ड, ड। चलिए सब मिलकर मेरे साथ बोले कि डब्बे का नाम कितने हरूफ से मिलकर बना है डाल बे बे अलिफ ये तो चार हरूफ़ से मिलकर बना है चलें बच्चों अब हम डाल के तीसरे और आखिरी दोस्त से मिलते हैं ये कौन है हम्म, ये क्या चीज़ है ये डोल है जिसमें हम मुख्तलिफ़ चीज़ें डालकर लाते हैं हम दूध इसमें लेकर आते हैं हम पानी इसमें डालते हैं हम इसमें घी भी डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें डालते हैं और डोल के नाम का पहला हर्फ किस से शुरू होता है डाल से और डाल की आवाज़ क्या है ड ड ड चलें सब मिलकर मेरे साथ बोलें ड ड ड डोल अब हम देखेंगे कि डोल का नाम कितने हरूफ से मिलकर बना है डाल वाओ और लाम ये तो तीन हरूफ से मिलकर बना है यहाँ पर हमने बच्चों डाल के तीन दोस्तों के बारे में जाना अब हम इनके नामों को दोबारा दोहराएंगे चले सब मिलकर मेरे साथ दोहराएं। ड डॉक्टर ड डब्ब्ब्ब्ब्बा ड डोल अब बच्चों हमने ये तो जान लिया कि डाल के दोस्त कौन कौन से हैं चले अब हम देखते हैं कि डाल लिखा कैसे जाता है डाल के सर पर टोपी होती है हमने क्या करना है यहाँ से नुक्ते से शुरू करें दाएं जन्म मोड़ते हुए गुलाई करते हुए बाएं तरफ आकर रुक जाएं। ये क्या बन गया ये तो हमने पहले भी बनाया है बिल्कुल हमने दाल ऐसे लिखा था ना तो ये तो दाल बन गया हम तो आज दाल के बारे में पढ़ रहे हैं तो जब हम दाल के ऊपर तोय डाल देंगे तो क्या लिख बन जाएगा तो क्या बन जाएगा हम्म तो डाल बन जाएगा देखा डाल लिखना कितना आसान है और आपको पता है डाल की आदि शक्ल नहीं होती क्योंकि ये जब भी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो वो अपनी पूरी शक्ल के साथ आता है एक अपनी अलग इनफरादी शक्ल रखता है अब हम क्या करेंगे आखिर में बच्चों हम एक स्टीम सरगर्मी से हर्व टाल की पहचान करेंगे आपने क्या करना है एक गत्ते का डब्बा लेना है आपने क्या करना है एक गत्ता लेना है आप कोई भी गत्ता ले सकते हैं उस गत्ते से आपने डब्बा बनाना है और डब्बा बनाने में आपने किससे मदद लेनी है वालद से इसम से या अपने बड़े बहन भाइयों से आप मुख्तलिफ़ रंगों वाले गत्ते भी ले सकते हैं या एक रंग का गत्ता भी ले सकते हैं जैसा आपका दिल करता है आपने उस गत्ते को बनाना है और फिर उसको अपने कमरे में रख कर उसमें अपनी चीज़ें रखनी हैं आपको ये जब बनाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसमाम और वालद आप अपने इर्द गिर्द मुख्तफ ऐसी अशा का जायज़ा लें जिनके नाम का पहला हर्फ डाल से शुरू होता है और इनके बारे में बच्चों को बताएं और हर्फ डाल के दोहराई करवाएं इस तरह बच्चों के जख़ीरा अल्फाज में इजाफा होगा अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जुड़े रहें मुन्नावर पब्लिशर के साथ